हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, वैद्युत क्षेत्र के बारे में आपने पढ़ा है कि एक आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत द्विध्रुव आपने पढ़ा है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पड़ी है अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। वो दोनों टॉपिक देख लीजिएगा, क्योंकि बिना उसके ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आज वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हम करने जा रहे हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण दो स्थितियों में हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई है, एक अक्षीय स्थिति में, एक निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, उसका लिंक हमने इसमें दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लीजिएगा एक बार, बहुत ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा। देखिए, थोड़ा सा हम बता देते हैं। अगर हम अक्षीय स्थिति के बारे में बात करें कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या बताई थी, तो हमने बताया था कि भाई ये एक आवेश है माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये इसका मध्यबिंदु था ओ, ये एल और एल था, और इससे आर दूरी पर एक बिंदु था जहां वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी थी, यहां से आर दूरी पर। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला आया था वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/ आर क्यूब। आर क्यूब पी क्या था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसकी दिशा हमने बताई थी माइनस पी से, माइनस क्यू से लेकर के प्लस क्यू की ओर, और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा थी। इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा पहले, तभी समझ में आएगा। यहां पर आवेश की बात तो कुछ कर नहीं रहेंगे, यहां तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है पी, पी के टर्म में आंसर है, यानी जो ई का मान है वो पी के टर्म में है। तो जरा इसको पकड़िएगा, जो दिशा पी की है उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो अक्षीय स्थिति है, पी की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, दूसरा हमने निरक्षी बताया था, निरक्षी में हमने क्या बताया था, ये निरक्षीय था, निरक्षीय स्थिति में हमने बताया था भाई ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये इसका लंबार्धक है, इससे आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, तो ये दिशा इसकी ये आई थी, ये ई थी, और ये पी होता है, तो ये निकला था ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³, यानी जो पी की दिशा है उसके लंबवत दिशा में ये है, उसके सॉरी उसके समांतर है लेकिन अपोजिट है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। तो आप फिर निकालेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, एक सेकेंड, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर यानी वो कहीं भी हो सकता है, बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालें। देखिए, हेडिंग डालीजिएगा, हम हेडिंग रब करेंगे। हमने कहा यह एक वैद्युत द्विध्रुव है, यह एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, और ये इसका मध्य बिंदु है, और इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, पी, पी बराबर टू क्यू, पी की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। जब हमने अक्षीय स्थिति दिया था तो पी की दिशा में गए थे और निरक्षी में पी के लंबवत गए थे। अब यहां पर हमने कहा कि पी कोई बिंदु है, ये वाला पी नहीं, ध्यान रखिएगा, पी कोई बिंदु है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, ये यहां से आर दूरी पर है और जो ए बी से थीटा कोण बनाता है। अब हमको जो फार्मूला हमने ई का बताया अभी, उसमें पी हमने यूज किया है, तो हमको पी के घटक लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो P का एक घटक तो हो जाएगा P cos थीटा, आपने पढ़ा है थीटा से लगा हुआ घटक cos होता है। ठीक है, तो P cos थीटा एक आघूर्ण, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएगा, एक ही वैद्युत द्विध्रुव बनाएगा। मान लिया ये एक वैद्युत द्विध्रुव है A1 और B1, ये एक छोटा सा वैद्युत द्विध्रुव है, इसका आघूर्ण क्या है, P cos थीटा। ठीक, और दूसरा क्या होगा, इसके लंबवत होगा, लंबवत ये होगा P sin थीटा, और ये भी एक द्विध्रुव बनाएगा,
इसका नाम दे दिया हमने A2 B2। तो एक तो A1 B1 जो द्विध्रुव हमने बनाया है काल्पनिक है ये, जिसका आघूर्ण कितना है P cos थीटा, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो पहले डायग्राम के कारण लिखेंगे कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है और AB के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, और माना OP जो है वो AB से थीटा कोण बनाता है। P वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, P का घटक एक P cos थीटा है और P sin थीटा है। तो पहले लिखेंगे आप P cos थीटा के कारण, cos थीटा के कारण P पर, ये P बिंदु है ध्यान रखिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति ना हो, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए चूंकि ये P cos थीटा की दिशा में है तो कौन सी स्थिति हो गई, अच्छी स्थिति हो गई, यानी ये होगी इसी दिशा में दूर की ओर E1, तो E1 इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 πε0k 2π/r³ हमने बताया है। तो 2 और P यहां क्या होगा, P होगा P cos थीटा अपान आर क्यूब, इसकी दिशा क्या होगी OP से दूर की तरफ। अभी हमने बताया था कि भाई जो अच्छी स्थिति होती है उसमें वैद्युत क्षेत्र दूर की तरफ होता है। अब P साइन थीटा के कारण क्या वैल्यू होगी, P साइन थीटा के कारण, थीटा के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 मान लिया 1/4 πε0k P/r³ पढ़ा है, तो P यहां क्या होगा P sin थीटा अपान आर क्यूब। इसकी दिशा क्या होती है, हमने भी बताया है कि इसके समांतर, लेकिन इसकी दिशा अपोजिट होगी, इसके समांतर यानी कि ये और इसके अपोजिट मतलब ये, भाई ये जो P sin थीटा है वो P cos के लंबवत है, तो P cos के लंबवत ही E2B होगा लेकिन इसकी दिशा उसके अपोजिट होगी, तो ये आपकी दिशा होगी। अब इनके बीच कोण कितना है 90 डिग्री, तो इसका अगर परिणामी हम वैद्युत क्षेत्र निकालें तो क्या आएगा √E1² + E2² तो जब निकालेंगे P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे, P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो होगा E√E1² + E2² देखो जब वैल्यू रखोगे तो 1/4 πε0 P/r³ यहां भी है और यहां भी है, उसका होल स्क्वायर करोगे तो वो कॉमन हो जाएगा, तो यहां बाहर क्या निकल आएगा 1/4 πε0 k P/r³, ये रूट के बाहर हो जाएगा। अंडर रूट में क्या बचेगा, पहले बचेगा 4 cos² θ और यहां से बचेगा आपका sin² θ, ये परिणामी तीव्रता निकली। अब थोड़ा अमेंड कर लो इसको, 1/4 πε0 k P/r³ अंडर रूट, चाहे तो इसको साइन में कन्वर्ट करो चाहे इसको कॉस में करो, इसको अगर लिखें 1 − cos²θ तो ये −cos² + 4 तो आएगा 3 cos²θ + 1, ये आपका वैद्युत क्षेत्र हो गया। निर्वात में क्या होता है, निर्वात में k का मान क्या होता है 1 होता है, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 πε0 P/r³ √3 cos²θ + 1, ये निर्वात में वैल्यू। थोड़ा टेक्निकल फार्मूला है, इसका डेरिवेशन का प्रोसेस देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आ रहा है, ये फील्ड है, ये E निकला है। अब इसकी दिशा क्या होगी, हमने माना कि मान लिया E1 से फाई एंगल बनाता है, हमने माना जो परिणामी तीव्रता E है वो E1 से माना E1 से फाई कोण बनाता है, फाई कोण बनाता है, तो जब हम टेन फाई निकालेंगे तो जरा देखिए ये E1 है ऐसे और ये E2 है ऐसे और ये E है, तो अगर ये फाई मानोगे
ये हो जाएगा लंब बटे आधा ई टू बटे ईवन, तो टैन फाइव हो जाएगा ई टू अपान ईवन। ई टू का जब मान रखोगे तो वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी साइन थीटा अपान आर क्यूब, और नीचे वैल्यू क्या आएगी वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी कॉस थीटा अपान आर क्यूब, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा वन अपान टू टेन थीटा, ये टेन फाइव हो जाएगा, तो फाइव की वैल्यू क्या आएगी टेन इनवर्स हाफ टेन थीटा। तो ये है एनी पोजिशन, किसी भी पोजिशन पर वैद्युत क्षेत्र। अब जरा देखिए ध्यान से, अगर मैं कहूं अच्छी स्थिति तो थीटा जीरो हो जाएगा, इसी में थीटा को जीरो कर दो पहले वाले प्रूफ में जो भी किया है, अच्छी स्थिति हो जाएगी। निरक्षी में क्या होगा थीटा 90 कर दीजिए, तो इससे वो डेरिवेशन भी आ सकता है और ये तो वही है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है एक समान वैद्युत, हमने जब वैद्युत द्विध्रुव बताया था तो हमने बताया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी, क्यों बताया था, हमने कहा था कि जब वैद्युत द्विध्रुव जब किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में, तो वैद्युत क्षेत्र उसको अपनी दिशा में करने की कोशिश करता है, यानी उसमें घूमने की टेंडेंसी होती है, इसलिए वह आघूर्ण होता है, ठीक है। तो हेडिंग है एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर, रखे वैद्युत द्विध्रुव पर, वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण, कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण। पहले समझने की कोशिश करिएगा, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा है, कोई भी कोण बनाते हुए वैद्युत क्षेत्र क्या करता है, वो उसको अपनी दिशा में लाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो वो घूमने की कोशिश करता है, उसी बल युग्म का आघूर्ण निकालना है, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे, ये हेडिंग नोट कर लीजिएगा। हमने कहा कि ये वैद्युत क्षेत्र है, ये कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र है ई, इसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है, आप जानते हैं। यहां पर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये माइनस क्यू चार्ज होगा, ये प्लस क्यू आवेश होगा, थोड़ा सा अलग लिख दो ये। तो देखिए इस आवेश पर इस वैद्युत क्षेत्र के कारण एक बल कार्य करेगा जिसकी दिशा किधर होगी, प्लस क्यू में क्यू ई बल कार्य करेगा, और यहां माइनस क्यू यानी किधर क्यू ई कार्य करेगा। ये दोनों बल कैसे हैं, एक दूसरे के, ये भी इसके पैरेलल है, समानता है, लेकिन दोनों की जो क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, समांतर हैं और दोनों बराबर हैं, तो ये क्या बन गया बल युग्म, ठीक है। तो पहले इसकी थ्योरी लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा को बनाते हुए रखा गया है, प्लस क्यू और माइनस क्यू पर लगने वाला बल क्यू ही है जिसकी दिशा बराबर एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। अतः यह बल युग्म बनाता है। आपको छोटे क्लास में पढ़ाया गया होगा कि जब दो बल इक्वल और अपोजिट लगा दिए जाएं तो ये बल युग्म होता है, इसको कपल कहते हैं, ठीक है। तो इसका आघूर्ण क्या होगा, तो इसकी थ्योरी तो अपने आप लिख लेंगे। अगर हम इस बल युग्म का आघूर्ण निकालें, बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, तो हमने पढ़ रखा है इसको टाउ से लिखते हैं, कोई एक बल और इन दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच लंबवत दूरी, ठीक है। तो बल तो हो गया क्यू ही, ये लो यार ये लो, जरा क्रिया रेखाएं देखिएगा, ये इसकी क्रिया रेखा है, ये इसकी क्रिया रेखा है, दोनों लंबवत है नहीं है, इनके बीच की लंब, दोनों पैरेलल है, सॉरी लंबवत नहीं है, दोनों पैरेलल है, इनके बीच की लंबवत दूरी कैसे निकालोगे, यहां से इसको आगे बढ़ाओ, यहां से लंब डाल दो, ये दूरी हो जाएगी बीसी, तो इंटू बीसी, तो क्यू ई इंटू बीसी कैसे निकालेंगे, ये थीटा है, ये त्रिभुज देखिए आप, ये बीसी, अगर मैं साइन थीटा लगा दूं तो लंब बटे कर्ण, तो ये निकलेगा टू एल
साइन थीटा, तो टू क्यूएल इंटू ई साइन थीटा। आपको टू क्यूएल का परिचय मालूम होगा कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है, तो आएगा पीई साइन थीटा टू, जहां पी क्या है आप लिखेंगे, जहां पी जो है वो टू क्यूएल है, ये है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव दो ध्रुव है यहां पर आघूर्ण, ये पढ़ चुके हैं आप ठीक। अगर वेक्टर रूप में इसको लिखें, वेक्टर रूप सदिश रूप से क्या होगा, टाउ बराबर पी क्रॉस ई। आपको याद होगा इलेवेंथ पढ़ा होगा, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा होता है, तो पी साइन थीटा इसी को लिखते हैं पी क्रॉस ई। अब थीटा की स्थिति बदलती जाएगी तो इस आघूर्ण का मान बदलता जाएगा, तो यहां कुछ स्पेशल केस लिख लीजिएगा, स्पेशल केसेस कुछ विशेष स्थितियां। पहली बात, यदि थीटा जीरो हो जाए, यानी ये वैद्युत क्षेत्र क्या चाहता है, वैद्युत क्षेत्र चाहता है कि आप ये जो वैद्युत ध्रुव है आप मेरी दिशा में आ जाओ, आ गए आई, तो टाउ क्या हो जाएगा जीरो, तो अब बल लगेगा नहीं लगेगा, भाई हमने कहा ये कर दो आपने कर दिया, तो आप पे कोई बल कार्य नहीं करेगा। दूसरी बात यदि थीटा 180 डिग्री हो जाए, बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाए, वैद्युत क्षेत्र ने कहा भाई ये काम करिएगा, नहीं करेंगे भाई कर लो जो कर लो, बोले मत करिए जाइए, अच्छा ये तो होता है, तो यानी थीटा 180 हो जाए तब भी टाउ जीरो होगा, यानी कर दिया तो अच्छी बात, कोई बल कार्य नहीं करेगा, और अपोज कर दिया कि नहीं करूंगा जो कर रहा हूं कर लो, तो कहेंगे मत करो भाई बैठे रहो नहीं करेंगे, तो ये वो स्थिति हो गई। अगर थीटा 90 डिग्री हो गया, तो जानते हैं साइन 90 मैक्सिमम 1 होता है, तो तीसरी पोजीशन हो गई, यदि थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो टाउ की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी पी इंटू ई, ये एम एक्स मैक्स लिखा है पी इंटू ई, उसका कारण देखिएगा, वो ठीक है साइन 90 मैक्सिमम होता है वो तो मैथमेटिकली होगा, यार फिजिक्स में आ जाइए, देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या चाहता है, आप दिशा में हमारी आ जाओ, आप 90 डिग्री पे आ गए, वैद्युत क्षेत्र को मालूम है कि अगर मैंने अधिकतम बल नहीं लगाया तो ये तो गया, ये उल्टा हो जाएगा, थीटा अगर आपका ज्यादा हो जाएगा तो साइन 90 से ऊपर जाएगा तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो ये अपोज करेगा, तो उसको कोशिश करता नहीं भैया इधर चलो नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल 90 डिग्री पे पहुंच गया ऐठा बैठा हुआ है, तो उसमें मैक्सिमम फोर्स लगेगा ठीक है। एक नोट इसमें डाल लीजिएगा, यह एक डेफिनेशन बनेगी यहां पर, देखिए अगर थीटा 90 डिग्री है, यदि थीटा 90 डिग्री है तो हमने कहा टाउ मैक्सिमम जो है पी इंटू ई है, तो यहां से पी की वैल्यू क्या होगी, टाउ मैक्सिमम अपॉन ई। अगर यदि ई को 1 मान लें, तो पी बराबर क्या होगा, टाउ मैक्सिमम। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की एक डेफिनेशन यहां बन जाती है, एक इसमें क्या बनेगी कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण किसी एकांक वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव के लंबवत रखने पर जो बल आघूर्ण कार्य करता है वो इसके बराबर होता है, मतलब वैद्युत ध्रुव आघूर्ण वह अधिकतम बल आघूर्ण है जो किसी वैद्युत ध्रुव को द्विध्रुव के लंबवत एकांक वैद्युत क्षेत्र में रखने पर कार्य करता है।